is probably, as far as Indian television goes, it's the most prestigious award that anybody can win. It is something great where all kind, all chota screen, bada screen, sab ikatthe ho jate hain. बहुत ही क्रेडिबल अवार्ड्स हैं और इसकी शान ही कुछ और है. मैं हमेशा से अटेम्प्ट करके आ रही हूँ. आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड प्रिविलेज दैट यू नो इन आईटी आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट टेलीविजन एक्ट्रेस. ऐसा लगता है आईटी एक ऐसा शो है जहाँ पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री साथ होती है एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग. मैं 3 साल से परफॉर्म कर रही हूँ आईटी में और इस बार भी मैं कर रही हूँ. सो आई फील ग्रेट. इट्स लाइक एन अप्रिसिएशन टू एनी एक्टर जो पूरा साल जो हम मेहनत करते हैं उसका टोकन आज मिलता है एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट. मैं नॉमिनेट हुई हूँ और आज मुझे बहुत खुशी है. बेस्ट एक्टर जूरी में नॉमिनेटेड हूँ सो आई एम वेरी हैप्पी. आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड एंड एक्साइटेड कि मुझे सुरेखा जी और सुप्रिया जी के साथ नॉमिनेट किया है तो मेरे लिए बस वही अवार्ड है. अच्छी फीलिंग है क्योंकि इस तरह के अवार्ड्स होते हैं तो हम सब लोग एक नया प्लेटफॉर्म एक मिलता है. आईटीए को तरफ में तक उल्टे चश्मे की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. आई थिंक विदाउट आईटा टीवी फ्रेटर्निटी इज हाफ. बहुत अच्छा लगा है. पिछले 3 साल से हम लोग नॉमिनेटेड है और इस बार भी बहुत सारे नॉमिनेशंस है तो बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत खुश है हम सब. कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस. बहुत अच्छा लग रहा है. पिछली बार भी था इस बार भी नॉमिनेटेड हूँ. मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ. बोलो राजीव. क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राजीव अपनी मर्यादा में रहो. मर्यादा में मैं कहाँ से रहूँ? जो मर्यादा में था उसे तुमने हाथियों से मार डाला. मुझे पता चला है कि तुम आजकल फ्री हो. यू नो जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं किसी की राय लेकर करना चाहती हूँ. तो फिर घबरा क्यों रही हो? यहाँ पर देखो, ये देखो कितने गेस्ट आ रहे हैं. यहाँ पर टीवी की बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ आएंगी, टॉप स्टार्स आएंगे. हाँ। तो आज सबसे मशवरा लेते हैं हम लोग. शादी की जो 7 शर्तें होती हैं अगर आपको याद होंगी तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट शर्त कौन सी होती है? कि मैं 7 जन्म तक तुम्हारा साथ दूंगा. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि इसको मैं बिल्कुल मानता हूँ क्योंकि ये मेरा आखिरी और 7वां जन्म है. जो मैंने सोचा था वो नहीं है. बिफोर मैरिज जो भी गर्लफ्रेंड्स या जो भी रिलेशनशिप होता था मैं बिल्कुल पोजेसिव नहीं था. बट मैरिज के बाद मैं कह सकता हूँ कैमरा पे मैं ज़्यादा पोजेसिव हूँ ये कम है. मैं ज़्यादा शक्की हूँ ये कम. मेरे ख्याल से ये शादी जो है वो उसके रूल्स को बदल होना चाहिए आजकल. तो अब 4-4 साल के बाद ओलंपिक्स के जैसे वी कैन जस्ट हैव रीवोटिंग. करोड़ों हिंदुस्तानी बहुत खुश है. भाई मजा आ गया, मजा आ गया. ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया का असली फ्लेवर यही देखने को मिल रहा है. अरे जब सब लोग आ चुके तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी वही सोच रही थी, चल अंदर चलकर इस ग्रैंड शाम का आनंद उठाया जाए. जी हाँ, आईटीए 2011 एक सूत्र में बंधेंगे सभी. यस चलिए. इंडियन टेलीविजन एकेडमी पेश करने जा रहे हैं छोटे पर्दे की सबसे बड़ी शाम. टेलीविजन के साथ साथ बड़ी बड़ी हस्तियों को पुरस्कृत किया जाएगा. थोड़ी छेड़छाड़, नोक नोक. मैं सब कुछ पका सकता हूँ. आलू पालक, आलू मटर, तोरी भिंडी, मैदा मसाला, मैदा बुद्धी, चिकन करी, चिकन मुगलाई, चिकन दही वाला, माँ की दाल, बहन की दाल, भाई की दाल, सब कुछ पका सकता हूँ मैं. आपको भरपूर एंटरटेनमेंट देने का आज हमारा पक्का वादा. बड़े पर्दे से भी बड़ा पर्दा. आईटीए अवार्ड्स 2011 जहां एक सूत्र में बंधेंगे सभी.